इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। तीनों ही लोग शहर के सबसे बड़े अधिकारियों में शुमार हैं, लिहाजा कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। पिछले कुछ दिनों में जो गंभीर वारदातें शहर में हुई हैं, उनके अनुसंधान में हमें हमारा जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट था वो सीसीटीवी कैमरे थे, और ब्लाइंड वारदातों के डिटेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेजेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं सभी नगरवासियों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन जो सक्षम हैं अपने भवन पे, अपने प्रतिष्ठान पे सीसीटीवी लगवाने में, वे एटलीस्ट एक कैमरा ऐसा रखें जिसका कि फोकस सामने की स्ट्रीट पे हो, सड़क पे हो। उसके माध्यम से अगर स्ट्रे फुटेज भी मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आ जाता है। एक इसका ज्वलंत उदाहरण निर्भया कांड है, जिसका कि बहुत फेमस रहा, लेकिन एक 47 सेकंड का फुटेज था उस बस का, जिसके माध्यम से वो जघन्य कांड डिटेक्ट हो सका। इट वाज अ मार्वेलस पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद फिर लैंड ब्रेकिंग चेंजेस भी आए हमारे कानून में। मैं इस नगर में कुछ समय के लिए हूँ, कलेक्टर साहब कुछ समय के लिए हैं, कमिश्नर मैडम कुछ समय के लिए हैं, लेकिन ये नगर सदैव है, ये हमला सदैव है। तो ये भाव जाए कि ये अच्छी है या बुरी है, ये फौज मेरी है, और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मैं चाहूंगा कि हमारे मीडिया में आए, क्योंकि अब वो समय निकल गया आजादी के बाद जब हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग करते चले। वो दौर अब समाप्त होकर के ये हमारे अपना दौर है। हम आपके बीच में से उठ के ही ये सारे हमले में लोग आए हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी चीज से अगर कोई खामी है तो बख्शें, किंतु ये इल्तिजा जरूर रहेगी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो बेहतरी के लिए हो वो, और आप सब इसमें सक्षम हैं, चाहे आप सार्वजनिक तौर पे, चाहे व्यक्तिगत तौर पे आप उसका कर सकते हैं, और मीडिया के माध्यम से तो आप सदैव ही स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।